वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लिखल महाभारत जे भीष्म पर्व में आयल 18 अध्याय 700 श्लोक अज खां 5000 सालन खां भी पहरियां ही लिखल वेदन जो सार श्री कृष्ण भगवान जी वाणी श्री कृष्ण भगवान ए अर्जुन जे विच में कुरुक्षेत्र जे मैदान में दैवीय संवाद सर्वशास्त्रमयी हिंदू धर्म जो सार प्रस्थान त्रय जो मुख्य स्तंभ श्री मद्भागवत गीता देश प्रदेश में ख्याति प्राप्त अनेक साधु महात्माओं विद्वानन पंडितन महापुरुषन जो पसंदीदा विषय जेते अनेक अनेक टीकाओं व्याख्याओं भाष्य निबंध लिख्या व्या अजिब मानू आम जनसाधारण ए साधु महात्मा पंडित संत महात्मा महापुरुष पढ़ंता लिखंता बुधंता चवंता व्याख्याओं तक छा ही आखिर 700 श्लोकन में जो गीता देश प्रदेश में ख्याति प्राप्त किया है मानू अजिब पढ़ंता चवंता बुधंता समझंता हंडाइंता कुछ तो कारण हुंदो गीता में जेके 700 श्लोक आयल आहिन उनन में असंख्य भाव भरियल आहिन असंख्य शिक्षाओं भरियल आहिन ए तटस्थ भाषा में लिखल आहिन जडें को मानू इंसान श्री मद्भागवत गीता के पढ़ंदो आ समझंदो आ तहू पेंजे ही भावन सा विचारन सा अनुभवन सा गीता जे भावन के जोड़ींदो आहे कोरिलेट कंदो आहे समझण जी कोशिश कंदो आहे ए ये विचार भाव अनुभव मटजंदा पिया आहिन ए हर दफे उनखे लगंदो आहे कि हू पहिरे खां वधीक सुठी तरह समझी सघियो आहे हर दफे मन ही मन व्याख्या कंदो आहे समझण जी कोशिश कंदो आहे हंडाइंदो आहे ए एक वक्त एड़ो बची वेंदो आहे जदे उनके लगंदो आहे कि हाणे उनके भी कुछ लिखण खपजे चवण खपजे बेन मानुन के भी समझायण खपजे कुछ शेयर करण खपजे कुछ यही मूसा गद थियो मां के ब्राह्मण जी धीत ना आया व्यापारी जी धी आया
पर बचपन सा ही जै स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा हासिल कई, उन्हें जो प्रधानाचार्य श्री राम गोपाल शर्मा संस्कृत भाषा जा प्रमोटर हुआ, सौभाग्य सा माब संस्कृत भाषा में रुचि रखनी वम ए अनेक संस्कृत जा श्लोक मंत्रन जा उच्चारण प्रार्थनाओं गीत नाटक इत्यादि में भागवतम। अज भी संस्कृत भाषा में श्लोक उच्चारण करण जो मुझे लाए वो ही प्रोत्साहन जो बिंदु आ है। अनेक अनेक गीताओं पढ़ी करे बुधी करे उन्हें के वीडियो फॉर्म में प्रस्तुत करना जो मुझे कोई उद्देश्य ना है। जेके भी गीता पढ़ण जे दौरान समझण जे दौरान मुझे पहंजे भाव विचार तर्कन सा युक्ति संगत जीअं भी लगंदो मां उन्हें जे अनुसार ही पेंजी गाल रखने जी कोशिश कंदम। इने में मां समझा दी कुछ चुकू छण जो भी संभावना या संभावनाओं रही थी सकन, पर मां तवा के हथ जोड़े करे विनती थी कया त जिते तवा के लगे कि का चुक थी आहे महरबानी करे मुखे सूचित कंदा ताकि गडो गड मां उन्हें चुक जो सुधार भी कंदी वन्या। गीता जी सच्चे अर्थन में मुंजलाए यही भक्ति आहे कृष्ण भक्ति आहे। गीता जे बारे में कुछ चवण मुझो एक बाल सुलभ विचार ही आहे बाराणी बुद्धि आहे, पर ये समझाती त शायद ईश्वर जो ही को हुकुम आहे जै जे करे मां अज यो कया पई। गीता जे श्लोकन जे उच्चारण जे दौरान अनेक अनेक पुस्तकों पढ़ण जे दौरान समझण जे दौरान मुखे आध्यात्मिक लाभ थियो आहे, इने में काई दोराए काने। मां तहां सबनी के विनती थी कया कि तहां अब गीता के पढ़ो बुधो समझो हंडायो तता के भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य थींदो। गीता जा श्लोक भले समझ में ना अचन कोई वांदो ना आए, पर बुधो बुधण सा भी फायदो थींदो आहे। जय श्री।